गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। लास्ट लेक्चर में भी अपने ऑपरेटर पर डिस्कस किया था, तो आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर आपका एक ऐसा सिंबल्स है जो कि कंपाइलर को बताता है कि उसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। मैथमेटिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं। तो सी के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इन सब ऑपरेटर्स को अपने यूज करेंगे सी के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स आपके आते हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया आपका, सब मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया आपका, मॉडुलस हो गया। तो इनको यूज करके अपने एक एग्जांपल बनाते हैं अभी प्रोग्राम कैसे। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, ए और बी आपके क्या हैं? ऑपरेंड्स। क्या हैं? ऑपरेंड। और बीच में क्या लिखा आपने? ऑपरेटर्स। वो कौन सा ऑपरेटर है? प्लस, जो किसके अंदर आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत। अब दो ऑपरेंड हमने यूज किए, दो ऑपरेंड की कब जरूरत पड़ती है? इसको बोलते हैं अपने बाइनरी। और जिसमें हम सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनरी। फॉर एग्जांपल, अभी आपने यहाँ पे बाइनरी का तो देखा ही है कि दो ऑपरेंड यूज किए, तो ये चीज आपकी होगी बाइनरी। यूनरी के अंदर कैसे? जैसे हमने 1 और -45 लिखा, तो यहाँ पे एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी। माइनस ए लिखा, माइनस बी लिखा, तो यहाँ पे एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी। इसको अपने बोलते हैं यूनरी। तो सबसे पहले अपने बना रहे हैं, अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रोग्राम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, कौन कौन सी हेडर फाइल्स का अपने यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अभी उसके अंदर एक एग्जांपल बनाते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर को अपने ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे हेडर फाइल्स, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इस हेडर फाइल को अपने किस लिए यूज करते हैं? इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए, इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए। तो सी के अंदर कौन से इनपुट और आउटपुट फंक्शन है? प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ। प्रिंट ऑफ आपका आउटपुट फंक्शन है और स्कैन ऑफ आपका क्या है? इनपुट। ये दोनों आपके जो फंक्शन है किसके अंदर आते हैं? स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। हैज इंक्लूड आपकी क्या चीज है? प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट हेडर फाइल आपने लगाते हैं हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ये हेडर फाइल अपने किस लिए यूज करते हैं? गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन। गेट सी एच स्क्रीन, गेट सी एच क्या करती है काम? आपकी स्क्रीन को होल्ड करने का काम। क्या करती है? स्क्रीन को होल्ड करने का काम। अगर आप प्रोग्राम में गेट सी एच का यूज नहीं करते तो आपको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एल्ट प्लस F5 शॉर्टकट कमांड का यूज करना पड़ेगा, सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए। अब नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आगे इसको एग्जांपल में अपने देखते हैं। मेन फंक्शन से करेंगे अपने स्टार्ट। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, क्लियर स्क्रीन, अ
अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, तीन वेरिएबल लिए हैं, एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा सम। ए और बी को वैल्यू असाइन की है और उस दोनों को ऐड करके किस में डालेंगे, अपने स्टोर करेंगे सम के अंदर। लेकिन इन सब का डाटा टाइप हमने रखा है इंटीजर। डाटा टाइप क्यों जरूरी है, डाटा टाइप कहते किसे हैं? डाटा टाइप किसी भी वेरिएबल को आप वैल्यू साइन करते हो, वो वैल्यूज कहां पे जाके स्टोर होएगी, कहां पे स्टोर होएगी, वो जो मेमोरी के अंदर स्टोर होगी उसके लिए हमें डाटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है कि वो मेमोरीज के अंदर कितना स्पेस लेगी। जैसे जो बेसिक डाटा टाइप है उनका अपने जिक्र करते हैं यहाँ पे अभी, इंट, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग, वॉइड, ये सब आपके क्या हैं, बेसिक डाटा टाइप है। इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेता है, 2 bytes, फ्लोट 4 byte। फ्लोट में एक होता है डबल, तो डबल आपका कितनी लेता है, 8 byte। फ्लोट के अंदर आपकी डेसिमल जो वैल्यूज होती हैं वो आती हैं, इंटीजर के अंदर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज, करैक्टर के अंदर आपके अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग भी आपका 8 byte का स्पेस लेता है, करैक्टर के अंदर आपके 1 byte का स्पेस, वॉइड। वॉइड का हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन वॉइड किस लिए यूज करते हैं अपने, इसे ऑपरेटर के तरह यूज नहीं करेंगे, लेकिन वॉइड क्या होता है, इसका मतलब होता है जीरो। आपके किसी भी फंक्शन के आगे हम वॉइड का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि वो गार्बेज वैल्यू को ना उठाए, इसलिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ए और बी दोनों को स्टोर करेंगे किसके अंदर, सम के अंदर। तो सम इक्वल ए प्लस बी, दोनों को ऐड किया किसके अंदर, स्टोर किया सम के अंदर। अब डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, सम इक्वल परसेंटेज डी,